अभी रोहित शर्मा को अपनी टीम में शामिल करने के लिए ये टीम करना चाहेगी करोड़ों रुपए खर्च, तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और कौन सी है ये टीम, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं, आपको बताएं यहाँ पे आईपीएल 2024 में चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम जीते, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे इस रिपोर्ट की, दरअसल आपको बता दें कि जहाँ पे आईपीएल 2024 का मिनी ऑक्शन खत्म हो चुका है, जी हाँ, जिसमें आपको बता दें कि यहाँ पे भैया सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस और साथ साथ मिचेल स्टार्क हैं। आईपीएल 2024 की नीलामी खत्म हो गई और इस बार की नीलामी में कुल 72 खिलाड़ी बिके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क सबसे महंगे रहे हैं। स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा, तो वहीं पैट कमिंस दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.5 करोड़ रुपए में खरीदा, जी हां। लेकिन अब नीलामी के बाद भी यहां पे दोस्तों आपको बता दें कि एक बड़ी चीज हो रही है, जो कि आपको बताएं कप्तान रोहित शर्मा को लेकर। दरअसल कप्तान रोहित शर्मा तो यहां पे दोस्तों मुंबई फिर जा नहीं रहे, लेकिन अभी भी सीएसके की टीम रोहित शर्मा के पीछे पड़ी है और उनको करोड़ों रुपए में खरीदना चाहती है। उनके पास अभी भी यहाँ पे अपना पर्स बचा हुआ है, बजट बचा हुआ है, तो इसीलिए वो यहाँ पे रोहित शर्मा को दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे भैया 19 करोड़ में खरीदना चाह रही है और ये ऑफर रोहित शर्मा को दे दिया है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि यहाँ पे क्या मुंबई इंडियंस की टीम, यानी कि क्या रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की टीम को छोड़ेंगे या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या रोहित शर्मा को सीएसके में जाना चाहिए या फिर नहीं, ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।